गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू लर्न अबाउट बीसीएस 042 व्हिच क्वेश्चन इज डिफाइन ओ बिग नोटेशन एंड प्रूव एंड डिसप्रूव द फॉलोइंग्स। यू नो कुछ फंक्शंस गिवन होंगे आपके और उसको आपको प्रूव और डिसप्रूव करना होगा बिग ओ में, ओमेगा में, यू नो। तो इन दिस वीडियो वी हैव टू सी ओमेगा और बिग ओ का जो फंक्शन होगा आपको गिवन, उसको हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। एंड काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऑब्वियसली 5 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन ऑन योर क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू सॉल्व, राइट। सो सी हियर द क्वेश्चंस, वेयर इज ओमेगा नोटेशन यूज्ड फॉर अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, राइट। ये क्वेश्चन आपको ओमेगा पे दिया है एंड ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2020 का, राइट। एंड मैं आगे के भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं ऑलरेडी, लाइक दिसंबर 2021, जून 2021, राइट। सो क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे एंड अभी फ़िलहाल मैं इस क्वेश्चंस पे डिस्कस करूँगी बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट एंड सी यू कैन सी दिस मार्क्स विल बी 4 एंड ऑब्वियसली ये पेपर 50 मार्क्स का है, बट यू हैव टू व्हेन यू हैव मार्क्स अपडेटिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड, सो इट विल बी डबलिंग इन योर ग्रेड कार्ड। यानी कि आपको 50 मार्क्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का हो जाता है और आपके जितने मार्क्स आए हुए थे 50 में, अगर आपके 22 आते हैं तो आपको 100 में आपको 44 ग्रेड कार्ड पे चढ़े हुए मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, मेल्स आते हैं मुझे बहुत कि मेरे 50 मार्क्स के पेपर थे, मेरे 18 आए, 20 आए और मैं फेल हो गया, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं, तो मैं सॉल्व करते हुए चलूँगी आपके जितने भी इश्यूज़ होते हैं, राइट। आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक आप मेल कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी आप, जैसे कि आप बता सकते हैं आपको आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, राइट। मेरे पास अभी सब्जेक्ट के काफ़ी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सॉल्यूशन के और कल पेपर है, राइट। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, दैट्स व्हाई वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। सो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा दिखेगा बट हम अभी स्टार्ट करेंगे बिग ओ नोटेशन पे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 2n³ + n² + 10 एंड इसको हमें बनाना है n³ पे, राइट। ओमेगा अगर आप जब बिग ओ नोटेशन पे आप बनाओगे क्वेश्चन तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन गिवन होंगे, राइट। बट इसमें आपको fn दिया है, gn नहीं दी गिवन है, राइट। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सी बिग ओ, सी आपके क्वेश्चंस यहाँ हैं, ठीक है, और ये आपके हो गए जो बिग ओ का था आपका वो कॉम्प्लेक्सिटी वाला, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, के का मान डालते हैं 1, राइट। के को चूजिंग के एन इज एन इक्वल 1, अज्यूमिंग एन इज एन एन जो होगा हमारा बड़ा होगा किससे, 1 से, राइट। सो फंक्शन हमारा fn दिया हुआ है, राइट। हम उस चीज़ को उतार लेंगे और gn के लिए क्या करना है ना, जो हमारा बिग वाला जो हमारा होता है एक्सपोनेंट, उसको हम यूज़ करेंगे gn के, ओके। बट हमें क्या करना था कि जो हमारा n था वो क्या था, बड़ा था 1 से, राइट। तो ये हमारा ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका, जो कि हमारा जो सबसे बड़ा हुआ एक्सपोनेंट है उस सब पे चढ़ जाएगा, राइट। सो सी जहाँ जहाँ हमें n प्रोड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ n स्क्वायर था तो n क्यूब हो जाएगा एंड ऑब्वियसली हम इसे तोड़ेंगे नहीं, इसके स्क्वायर इसके क्यूब निकालेंगे, इसका स्क्वायर एंड इसका 10 जो है उस तरीके से आप निकालते हुए आपको यहाँ मिलेगा 19n³ n और n क्यूब। अब मैं सबको बता देती हूँ कि कैसे हुआ ये आपका, जैसे कि हम लोग माने थे कि k इज़ 1 यानी n इज़ इक्वल 1, तो n जहाँ जहाँ होगा वहाँ आप 1 पुट करोगे
लाइक दिस एंड एट टू का वन से इंटू होता है तो ऑब्वियसली टू ही होगा एंड टू का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, 1 एंड 10, राइट। ऑब्वियसली इसमें भी वही वही होगा और यहाँ पे हमें 19 मिलता है एंड नीचे भी हमारा 1 1 यानी क्या था, एन का क्यूब, राइट। एन के क्यूब और ये 19 एन क्यूब को हम ऐसे कट आउट कर देंगे, हमारे पास बचेगा 19, राइट। इसके में भी वही होगा, वही वही रूल है, राइट। लास्ट में हम इसको एक पॉइंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू कि चूज सी इज एन इक्वल 19, नोट दैट द जो फंक्शन होगा उसको आपको लिखना है एंड जो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ना इसका फंक्शन का ऊपर वाला पार्ट एफ एन को यहाँ हम लिख देंगे, राइट। एंड उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा ये फंक्शन था उसको भी पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से एंड ये हमारा सॉल्व आउट हो जाएगा, आपको 5 to 6 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, राइट। तो इस क्वेश्चंस को बहुत से लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या करना नहीं करना, राइट। बट इसको छोड़ो मत, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत स्पेशल है ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोर अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे को मेल कर सकते हैं किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। ऑब्वियसली एक मेरे को अभी आया हुआ है 54 का, मैं उसकी भी वीडियो जल्दी लाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।